हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैंगो फालूदा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बाज़ार से अच्छा आप बना सकते हो घर पर। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्ज़ा सीड्स को सोक कर लेंगे, जिसके लिए हमने ये लिए हैं 1 टेबलस्पून सब्ज़ा सीड्स। 1 कप पानी डालेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको सोक होने के लिए एक साइड में रख देंगे। मैंगो फालूदा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो हैं 4 मैंगो का पल्प, 5 टेबलस्पून शुगर, बादाम और पिस्ता गार्निशिंग के लिए फाइन चॉप किया हुआ, टूटी फ्रूटी गार्निशिंग के लिए ये हमने लिए 1 कप सेवइयाँ। सेवइयों को सबसे पहले हम बॉयल कर लेंगे, जिसके लिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। गैस पर रख लिया है एक पैन। पैन में डालेंगे 2 कप पानी। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऐड कर देंगे सेवइयाँ। पानी में आ चुका है एक बॉयल और सेवइयाँ भी अच्छी तरीके से पक गई हैं। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और सेवइयों को छान लेंगे। अब हम मिक्सर जार में 4 मैंगो का पल्प डाल लेंगे और इसको ब्लेंड करके इसकी मैंगो प्योरी बना लेंगे। अब इस मैंगो प्योरी में से हम 1/2 मैंगो प्योरी एक बाउल में निकाल लेंगे और एक साइड में रख लेंगे। आधी मैंगो प्योरी जार में ही रहने देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर और 2 कप मिल्क और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब ये मैंगो मिल्क भी रेडी हो गया है, इसको हम एक साइड में रख लेंगे। अब हम 2 ग्लास ले लेंगे, दोनों ग्लासेस में 1 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा डालेंगे। अब दोनों ग्लासेस में 2 टेबलस्पून सब्ज़ा डालेंगे, 2 टेबलस्पून मैंगो प्योरी डालेंगे, 1 टेबलस्पून बॉयल की हुई सेवइयाँ डालेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप ना अपनी चॉइस के मुताबिक भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब दोनों ग्लासेस में ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर लेंगे, टूटी फ्रूटी डाल लेंगे। इसकी क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और जो मैंगो मिल्क हमने बनाया था वो डालेंगे। अब दोबारा से हम इसमें सब्ज़ा डालेंगे, सेवइयाँ डालेंगे, मैंगो प्योरी डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में मौजूद होते हैं, फालूदा हम इजीली बना सकते हैं। लास्ट में हम इस पर 1 स्कूप रखेंगे वनीला आइसक्रीम का। आइसक्रीम के ऊपर टूटी फ्रूटी और मैंगो चंक्स डालेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा मैंगो फालूदा रेडी हो गया है। बाहर जाने की हमें बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, ये मैंगो फालूदा आप मिनटों में घर पर बना सकते हैं। और अभी मैंगो का सीज़न भी चल रहा है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है तो आप लोग ये होममेड मैंगो फालूदा अपने घर पर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।